ओके करक साउंड टेस्ट। तो आपको भी तो आती है सिटी बिटाने। हाँ ढक्कन दो ना। हाय माय लवली फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे बीच है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर एंड होममेकर, एंड ये जो है ना काफ़ी सारे लोगों की चहेती है और इंडिया में काफ़ी सारे लोग ने इनसे इंस्पिरेशन लिए अपना खुद का कुछ करने का। तो मैं बहुत ही खुशी के साथ स्वागत करना चाहूँगी कविता सिंह फ्रॉम कविताज किचन। हेलो, बहुत अच्छा किया। वेलकम टू माय शो, वेलकम टू माय चैनल, बट आपके स्टूडियो में, बिकॉज बहुत अच्छा सेटअप है ना। तो कनक आई थी पुणे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कनक को एक स्पेशल डिश बना के खिलाऊं जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि कनक को नॉनवेज पसंद है ज़्यादा, लेकिन इसने फिश वगैरह ट्राई नहीं किया। ये बोलते कि फिश मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने कहा एक बार मेरे हाथों का खा के देखो, शायद तुम्हें पसंद आए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कनक के लिए स्पेशल फिश करी, जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल रेसिपी है। अच्छा गाइस, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ़िश मेरे चैनल में पहली बार बन रही है, लेकिन ना मुझे फ़िश के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो कविता मुझे बताएं कि ये क्या फ़िश है, इसको क्या करना है, प्रोसेस क्या है, क्योंकि मेरी मॉमी हमेशा फ़िश बनाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो आपने खाया है क्या फ़िश कभी? फ़िश मैंने बचपन में खाया है, लेकिन समहाउ मेरे को सी फूड इतना पसंद नहीं है। तो नहीं तो हम रिवर वाली बनाएंगे ना। रिवर क्या होता है? रिवर में ही तो फिश होती है ना। नहीं, रिवर फिश अलग होती है, सी फिश अलग होती है। तो मैं जो बना रही हूँ ये रिवर फिश, इसको बोलते हैं मीठे स्वीट वाटर वाला। तो जो ये खाना पसंद करते हैं ना उनको जल्दी से वो सी फिश वाला पसंद नहीं आता। टेस्ट इसका बहुत अमेजिंग होता है, मतलब मेरा शायद फेवरेट है, इसलिए मैं ऐसा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है इसका कुछ भी टेस्ट। तो बनाते हैं, मुझे तो लगा पॉम्फ्रेट फिश लाए हो, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया इसके बारे में। पॉम्फ्रेट दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो कहना आज हम बनाएंगे रोहू फिश। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे टेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शुरू करें प्रोसेस सावधानी से। इसमें क्यों कांटा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कांटा। तो कांटा मतलब वो तो हम बाद में निकाल लेंगे ना। कांटा लगा कांटा लगा। चलिए चलिए काम पे लगते हैं। आप कुछ भी बोलते मैं करने के लिए, मैं करती भी हूँ कुछ भी बोलते मैं नाचने के लिए, गाने के लिए, सब में रेडी हो जाती है एकदम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिश को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है? जी बिल्कुल मैं डालूं? आप भी थोड़ा काम कीजिए। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, इतना बस हो जाएगा? बस काफ़ी। ठीक है, और फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक, नमक हाथों से, हाथों स्वाद अनुसार, ऐसे से, ऐसे एकदम ऐसे, फील अच्छा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए ना डालने में। ठीक है, इतना बस। अब हमने नमक जिस हाथ से डाला है उसी हाथ से इसे मिक्स करना है। नहीं, आपने मेरे को नहीं बताया, मैं नहीं मैरिनेट करती हूँ फिश। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि इसको मैरिनेट कर देंगे। हाँ, तो मैरिनेशन के लिए पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इसके बाद इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दें। अच्छा, मैरिनेट करना इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए होता है कि एक तो फिश की जो स्मेल है वो चली जाती है, प्लस थोड़े मसाले वगैरह लिपट जाते हैं ना, तो ये फ्राई करने के बाद भी ज़्यादा टेस्टी होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमको करी नहीं खानी है तो हम इसे क्या करते हैं कि बस इसे डीप फ्राई करके राइस के साथ या फिर ऐसे एज ए स्टार्टर खाते हैं। नाइस, तो मतलब एज अ स्टार्टर भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो एज अ करी राइस के साथ, है ना। हाँ, रिसेंटली आप किसी के शादी में गए थे क्या? मैं शादी में नहीं, क्यों नहीं? अगर आपने हल्दी का फंक्शन मिस किया हो तो? नहीं नहीं नहीं, उम्मीद मच्छी वाली। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। ठीक है, चलो। तो मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले सरसों का इस्तेमाल करना है। सरसों? हाँ। मतलब ये मस्टर्ड सीड्स ना, जो राई? नहीं, मस्टर्ड सीड्स और राई ऐसे होता तो बोलने में एक ही है, लेकिन हमें मोटी वाली सरसों का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे, यहाँ हाथ में लीजिए। हाँ, ओके, तो ये पतली वाली राई है ना, और दूसरे हाथ में लीजिए। तो ये जो बारीक वाली राई है ना, ये कड़वी होती है, अगर आप अचार में भी यूज़ करोगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो गया तो अचार कड़वा हो जाएगा, और इस वाले से कड़वापन इसमें कम होता है। तो जब भी हम फिश बनाते हैं या पिकल बनाते हैं तो ये मोटे वाले सरसों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इतना सारा सरसों डालेगा क्या? हाँ, इसका नाम ही है सरसों वाली फिश करी। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों। तो यहाँ पे हमने सरसों डाला, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च। तो 10 से 12 काली मिर्च डाल दें, स्पाइसी बढ़िया सा बनेगा ना। फिर जीरा डाल देंगे, तो 1 बड़ा चम्मच जीरा। ओके, साबुत धनिया। ओके,
और इतनी सारी लहसुन डालेंगे? लहसुन इसमें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पसंद है तो आप कम कर सकते हैं ना। ओके, तो फ्रेंड्स इतनी सारी लहसुन डालनी है आपको, अदरक नहीं डालना है आपको? नहीं, अदरक नहीं डालना है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। ओके, जब भी आप फिश करी बनाएं ना तो हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लाल मिर्च कलर से अच्छा दिखता है, ओके, लेकिन स्वाद जो है ना वो हरी मिर्च का आता है। टक करके आवाज़ आ रही है, देखा आपने क्या क्रंची और क्या फ्रेश हरी मिर्च है। यूज़ करें ये, हाँ पीछे मैंने ये फार्मिंग स्टार्ट की है, बस वहीं से अभी जस्ट तोड़ के लेके आई हूँ मैं। फिर हम इसमें डाल देंगे, जब हम ये पेस्ट बनाएंगे ना तभी हम हल्दी डाल देंगे साथ में। अच्छा, ठीक है, तो हल्दी उसमें भी डाली और इसमें भी हल्दी डाली। हाँ, इसके बाद नहीं इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ओके, पानी डाल दिया, तो बस जार का ढक्कन बंद करके हम इसका पेस्ट बना देंगे। बढ़िया, क्या मसाला पीसा है यार, परफेक्ट पीसा है ना एकदम। तो यहाँ पे पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। ये, हाँ जी, पूरा डाल दूँ? हाँ बिल्कुल पूरा डाल दूँ। आपने तो मुझे मना किया शक्कर डालने से और आप इतना सारा तेल डलवा रहे हो, देखो। अरे तो अच्छा डिश खाना है ना, और जब भी हम ये यूपी स्टाइल या ये वाली फिश करी बनाते हैं ना तो हम इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि सरसों के तेल में एक अलग सा फ्लेवर होता है, और नॉर्मल कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सरसों के तेल में ही इसको बनाना है आपको? हाँ, लेकिन सरसों का तेल जब भी आप यूज़ करें किसी भी चीज़ में तो आप उसको अच्छे से गर्म हो जाने दें, जब उससे धुआं निकलने लगे उसके बाद ही उसमें कुछ डालें, नहीं तो इसका कच्चापन जो है उसकी स्मेल आती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे फिश। तो फिश आपको संभाल के डालना है क्योंकि इसके छींटे आएंगे आपके ऊपर। आवाज़ तो बढ़िया आ रही है, सिज़लिंग। तो इसे कनक जब आप फ्राई करें ना तो इसे आधा कवर कर दे, पूरा नहीं। अच्छा, ऐसे हाफ कवर कर दे। ठीक है, इससे क्या होगा कि तेल के छींटे आपके ऊपर नहीं आओगे। करेक्ट, तो इसको पहले फ्राई करना ज़रूरी है ना तेल में, कि डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम? नहीं, डायरेक्ट बनाते हैं बहुत सारी डिशेज में, जैसे गोवन फिश करी वगैरह होता है, उसमें फिश को फ्राई नहीं किया जाता। अच्छा, लेकिन इसमें एकदम डीप फ्राई करते हैं, जब क्रिस्पी करारी वाली ऐसे टेक्सचर आ जाएगा ना तब तक हम इसे करारी। कुछ लोग को कैसे ना ये वर्ड्स बहुत पसंद है, क्रिस्पी करारी, वो क्रिस्पी करारी बोलने से मुँह में पानी आ जाता है। वाओ, क्या तो कलर आया फिश में, एकदम एकदम क्रिस्पी वाला, पूरा ऐसे टेक्सचर तक हमको फ्राई करना है। तो पूरा उलट पुलट करके दोनों साइड से करना है क्रिस्पी करारा। तो हम इसे निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे। ओके, तो क्या लग रही है फिश, खाओ ना। ऐसे तो आप ग्रेवी बनाने वाले हो ना, वैसे भी गरम है, संभाल के मैं आपको दूंगी खाने के लिए, पहले हम करी बना लेते हैं। मसाला तो बहुत टेस्टी है, तो हम ये जो तेल बचा हुआ है ना इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसी तेल में हम थोड़े से मेथी के दाने डालेंगे। डाल देती हूँ थोड़ा सा ही, मेथी कड़वा होता है इसलिए संभाल के थोड़ा सा बस। फिर आप इसमें हरी मिर्च डाल दो, 2-3 हरी मिर्च। ठीक है, अब इसके बाद ये मसाला पेस्ट, तो ये आप मत डालो। हाँ, मसाला पेस्ट डालने से पहले आपको पैन को कवर करना होगा। क्यों ऐसा, फिर से उड़ेगा क्या? फिर से उड़ेगा। ओके, इस रेसिपी का नाम ये है, ध्यान रखना है आपको, उड़ती हुई फिश मसाला है ना। ओके, तो यहाँ पे मसाला डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, मिलाइए। मिला देती हूँ उसको। वाह, खुशबू तो बढ़िया आ रही है ना, डिफरेंट आ रही है ना, समथिंग डिफरेंट। मतलब ऐसा तो मैंने अपने चैनल में नहीं बनाया है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नया बनने जा रहा है। अगर आपको थोड़ा रेड वाला कलर चाहिए ना तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो डाल दे क्या, थोड़ा डाल देते हैं। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें और मिला दें। एक्चुअली कलर अच्छा आ जाता है ना देखने में, थोड़ा डिश सुंदर लगेगी, तो आपको तो पता है। हाँ, वैसे ग्रीन आप सर्व करेंगे ना तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो ऐसा कलर इतना प्लीजिंग नहीं लगता है, तो लाल थोड़ा रहेगा तो पहले तो आँखों से खाया जाता है, राइट? कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। पहले आँखों से खाते हैं, उसके बाद मुँह से खाते हैं। बढ़िया कलर आ गया। तो अब हम इसे ढक के कम 4-5 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। ठीक है, पानी नहीं डालना है हमको अभी, नहीं, पहले सरसों को भून लेना अच्छे से। ओके, तो बस पैन को कवर कर दे। ठीक है, तो कनक जब तक मसाला पक रहा है ना मैं सोच रही हूँ कि
पकाऊं आपको भी? हाँ पकाओ पकाओ बताओ। नहीं नहीं आप क्या? एक बात बताओ, हाँ। आप जैसे बहुत बबली बबली नेचर के हो, हाँ। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते, एकदम खुश रहते हो हमेशा, मतलब 24/7 हैप्पीनेस आपके चेहरे पे रहती है। दैट्स ट्रू। तो आप स्कूल में ऐसे ही थे, बबली या बदमाश थे? स्कूल में तो मैं बहुत शाय थी। शाय थे मतलब लड़के वहाँ से आ रहे हैं तो मैं इस गली से भाग जाती थी, वहाँ से कोई आ रहा है तो मैं इधर से भाग जाती थी। आपको पता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार मेरा भाई इतनी जोर से स्कूल में रो रहा था, मुझे पता चल गया कि मेरा भाई है, कि मैं एम्बेरस नहीं होना, तो वो वहाँ से रोता हुआ था, मैं दूसरी पतली गली पकड़ ली कि टीचर मेरे को पकड़ लेगी कि ये तुम्हारा भाई है, दिस इज योर ब्रदर। वो हमेशा ऐसा होता है, मेरा भाई इतना नॉटी है, इतना नॉटी है अभी भी, तो ऐसा होता है। तो स्कूल में मैं शाय थी और बबली चुलबुली हैप्पी तो मैं शादी के बाद हुई हूँ। तो ये तो आपने मेरे बारे में पूछ लिया, आप भी बताओ आपका चाइल्डहुड। बचपन में मैं शांत थी, शाय नहीं थी। अच्छा। लेकिन मेरी जो बदमाशी शुरू हुई वो कॉलेज लाइफ में हुई। कॉलेज में मैं एकदम ऐसे लड़कों को छेड़ती थी। ओह माय गॉड, लुक। चलो चलो मसाला कर लेते हैं। तो बातों में हमारा मसाला पक गया है, अच्छे से भून गया, एकदम तेल ऊपर आ गया है बढ़िया सा। तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। ओके, आप चाहिए बिल्कुल डालिए। हाँ। आप चाहिए तो टमाटर काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्योरी भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्योरे हमने डाल दिया ना। हाँ, ये होममेड प्योरी है। हाँ मतलब ये तो 4-5 टमाटर आपने पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है? दोन ओनली दोन टू टमाटर। ओके, तो दोन टमाटर को पेस्ट करना है एंड इसमें ऐड करना है। प्याज भी नहीं लगा हमको इसमें? नहीं, इसमें प्याज नहीं पड़ता है। हाँ, तो अब हम टमाटर को भी उतनी ही देर पकाएंगे जितना पहले हमने सरसों को पकाया था, तो 5-6 मिनट इसे भी हमें छोड़ना पड़ेगा। बस उसके बाद पानी डाल के करी रेडी। माय माउथ इज वाटरिंग ऑलरेडी, माय आईज आर वाटरिंग। हाँ वो तो होगी। तो इसको ढक के पकाते हैं थोड़ी देर और। अच्छे से भून गया है ना। हाँ, तो मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो 3 कप के करीब आप इसमें पानी डालें। नमक डाल देंगे, नमक हमने पहले भी डाला है थोड़ा सा। बस फिर हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च। तो देखा आपने कितनी इजी रेसिपी है। फिश को क्या किया हमने, मैरिनेट किया, फिश को फ्राई किया और कुछ कटिंग की ज़रूरत नहीं, बस मसाला हमने बना लिया मिक्सी में, है ना? हाँ। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को फिश खाना है ना तो मैं आऊँगी कविता के पास पक्का। तो यहाँ पे करी जो है वो उबल गया है, अब हम इसमें डाल देंगे फिश। फिश तो मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ फिश डालने में। आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको खिलाऊं क्या? बोन्स निकाल के दूं क्या? बोन्स आप निकाल के आराम से प्यार से खिलाओगे ना, एकदम दादी जैसे। तुम एक काम करो ना, मेरे गोदी में बैठ जाओ। एक्चुअली तब हम इसे ढक देंगे। ठीक है, ढक के 5 मिनट पकाएंगे बस। फिश करी रेडी। रेडी, वाह कैसा दिख रहा है? मस्त लग रहा है, एकदम बढ़िया। जल्दी से निकालो, मैं टेस्ट करूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी, ऐसे पता चल रहा है। वो जो मस्टर्ड आप बोल रहे थे ना, अच्छे से पकना चाहिए, भुनना चाहिए, वो अभी दिख रहा है। तो बस इसे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे हम, गैस को बंद कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में धनिया पत्ता डालेंगे। तो बस करो आप धनिया पत्ता, मास्टर शेफ का काम। धनिया पत्ता ठीक है, इतना और डालना है। नाइस, बस मिक्स कर देते हैं। मिक्स नहीं करना है ना, धनिया पत्ता का फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए आप ऐसे आधे मिनट के लिए छोड़ दें। हाँ ठीक है। ओ तो ये हमारी फिश करी रेडी। वाह जी वाह। हमारा यूपी स्टाइल सरसों वाली फिश करी बनके तैयार है। कनक अब आपकी बारी, टेस्ट करो। चलो सच में कविता, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिश करी।
ऑन माय चैनल। सच में बोल रही हो या फिर तुमने? नहीं नहीं, मैं सच में बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। मेरे फेस एक्सप्रेशन से ही आपको पता चल गया होगा, और फेस एक्सप्रेशन के आपको देखने से पता चल रहा है ग्रेवी देख के। ग्लैड यू लाइक्ड इट। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो कनक के चैनल को सब्सक्राइब करें। yes. और मैं जा रही हूँ उसके साथ पानी पूरी खाने। ओह यस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना है।